अपन पढ़ेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में, प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या यूज होता है ऑब्स्टेट्रिक के अंदर, प्रेगनेंसी के दौरान का क्या यूज किया जाता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अपन देखते हैं द केमिकल प्रिकर्सर इज अरेकनोइड एसिड, यानी जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ना, इनका जो केमिकल प्रिकर्सर जो होता है ना वो अरेकनोइड एसिड होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन आर एंडोजिनस कंपाउंड फाउंड ऑन मायोमेट्रियम डेसिडिया फिटल मेम्ब्रेन, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं ना वो एक एंडोजिनस कंपाउंड होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, जो मायोमेट्रियम होती है यूट्रस की, डेसिडिया जो होती है प्लेसेंटा की, और फिटल मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट होते हैं, यानी वहाँ पे ये पाए जाते हैं। सर्वाइकल प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन आर इंक्रीज एट टर्म, यानी जो सर्वाइकल प्रोडक्शन जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का वो इंक्रीज हो जाता है टर्म प्रेगनेंसी पे। टर्म प्रेगनेंसी पे प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज होएंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ऑक्सीटोसिन के साथ मिलके, ऑक्सीटोसिन भी कहीं ना कहीं प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को इंक्रीज करता है, तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो ऑक्सीटोसिन के साथ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कराने में हेल्पफुल होते हैं। इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं ना वो इनहिबिट कर देते हैं जो सिक्रेशन जो होता है ना प्रोजेस्टेरोन का। हम जानते हैं कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिक्रेशन है वो नियर बाय टर्म प्रेगनेंसी पे इंक्रीज हो जाता है, और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन नियर टर्म प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा तो वो प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा, तो ये जो प्रोसेस होती है ये लेबर को इनिशिएट करने में हेल्प करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन प्रिपरेशन में अपन देखते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रिपरेशन में जो प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर जो मेनली जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो ऑब्स्ट्रक्टिक के अंदर यूज होते हैं वो कौन से, प्रोस्टाग्लैंडिन E1, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन F2α। E1 में अपन पढ़ेंगे मिजोप्रोस्टोल के बारे में, E2 में पढ़ेंगे अपन डाइनोप्रोस्टोल के बारे में, और F2α में अपन पढ़ेंगे डाइनोप्रोस्ट के बारे में। अब पढ़ते हैं अपन प्रोस्टाग्लैंडिन E1। प्रोस्टाग्लैंडिन E1 में एग्जांपल जो है वो क्या है, मिजोप्रोस्टोल। मिजोप्रोस्टोल क्या एक सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन का टाइप है, यानी जो सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो मिजोप्रोस्टोल है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन E1 के नाम से भी इसे जानते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो मिजोप्रोस्टोल के जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो ओरल रूट से भी दे सकते हैं, वेजाइनल के रूट से भी दे सकते हैं, रेक्टल रूट से भी दे सकते हैं, और सब लिंगुअली टेबलेट के फॉर्म में भी दे सकते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी गिवन ओरल विथ मिफीप्रिस्टोन या मिथोट्रेक्सेट टू इंड्यूस अबॉर्शन इन फर्स्ट फ्यू वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी अपन पढ़ते हैं प्रेगनेंसी के अंदर MTP एक्ट के अपन अंदर पढ़ते हैं कि जो मिजोप्रोस्टोल जो होता है ना वो अबॉर्शन को इंडक्शन करने में भी हेल्प करता है, और किसके साथ अपन इसको देते हैं, मिफीप्रिस्टोन और मिथोट्रेक्सेट के साथ अपन इसको देते हैं। जो मिफीप्रिस्टोन जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन का एंटागोनिस्ट होता है, और प्रोजेस्टेरोन का एंटागोनिस्ट होने के कारण ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने में हेल्प करता है। वही जो मिथोट्रेक्सेट होता है वो फोलिक एसिड के सिंथेसिस को नहीं होने देता है, यानी DNA के सिंथेसिस को नहीं होने देता है, तो ये भी प्लेसेंटा के डिटैचमेंट में हेल्प करता है। और जो मिजोप्रोस्टोल होता है वो क्या करता है, जो मायोमेट्रियम होती है उस पर बाइंड करके उसके यूटेराइन के कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ा देता है। तो इनके बारे में डिटेल में अपन जब MTP एक्ट पढ़ेंगे तो उसके साथ में और डिस्कस करेंगे अपन। सर्वाइकल राइपनिंग बिफोर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, यानी मिजोप्रोस्टोल को अपन कह सकते हैं कि ये अर्ली प्रेगनेंसी में अबॉर्शन करवाने में तो काम करता है, साथ ही ये सर्वाइकल राइपनिंग के लिए भी हेल्पफुल होता है बिफोर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। सर्वाइकल राइपनिंग का मतलब होता है कि जो सर्विक्स होता है उसकी सॉफ्टनेस को बढ़ा देना, और सर्विक्स की सॉफ्टनेस को बढ़ा देना उसके डायलेशन को इंक्रीज कर देना, जो कि फेवरेबल होता है डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट अपन देखें पोस्टपार्टम हेमरेज, जो मिजोप्रोस्टोल होता है वो PPH को कंट्रोल करने में भी हेल्प होता है, क्योंकि ये यूट्रस पे बाइंड करता है, उसके कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाता है, तो PPH को कम करने पे भी इसका हेल्पफुल है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वही अर्ली प्रेगनेंसी पे MTP एक्ट में अपन इसको यूज करते हैं, मिफीप्रिस्टोन या मिथोट्रेक्सोइड के साथ सर्वाइकल राइपनिंग बिफोर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, और PPH में भी इसका यूज होता है। एक और चीज़ याद रखना फ्रेंड कि जो मिजोप्रोस्टोल होता है वो पेप्टिक अल्सर के डिजीज में भी यूजफुल होता है, पेप्टिक अल्सर की डिजीज में भी इसको दिया जाता है। और जो मिजोप्रोस्टोल है इसका जो मेटाबॉलिज है वो लीवर के अंदर होता है, और ये यूरिन के जरिए एक्सक्रिएट होता है बॉडी से। और जो मिजोप्रोस्टोल होता है इसमें जो होता है जो यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन के जो चांस होते हैं वो ग्रेटर होते हैं, लेकिन फीटल हार्ट रेट पे ये कोई चेंजेस नहीं करता है, लेकिन जो यूटेराइन के जो कॉन्ट्रेक्शन है उसको हाइपर स्टिमुलेट कर देता है। और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि याद रखना है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज में भी इसको दिया जाता है।
नेक्स्ट अपन जो पढ़ते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के अंदर अपन पढ़ेंगे डाइनोप्रोस्टोन के बारे में। डाइनोप्रोस्टोन का जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो वेजाइनल या जेल फॉर्म में भी आता है फ्रेंड। ये एक्सोजीनस प्रोस्टाग्लैंडिन E2 इज यूज एज पेसेसरी या जेल इन द इंडक्शन ऑफ लेबर एंड हाइड्रेटिफॉर्म मॉल प्रेगनेंसी। यानी जो एक्सोजीनस जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का जो पेसेसरी के फॉर्म में भी आता है, यानी ये वेजाइनल पेसेसरी के फॉर्म में आता है, जेल फॉर्म में आता है, और ये किस में काम किया जाता है, इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर हाइड्रेटिफॉर्म मॉल की जो प्रेगनेंसी होती है उसको भी इंड्यूस करने में ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट अपन इसको देखें तो राइपनिंग फॉर सर्विक्स फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर एट फुल टर्म, यानी फुल टर्म पे जो सर्विक्स होता है उसको उसकी राइपनिंग में भी ये हेल्प करता है फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा के अंदर जो एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं वो है डाइनोप्रोस्ट। फ्रेंड प्रोस्टाग्लैंडिन E2 डाइनोप्रोस्टोन है और जो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा जो है वो डाइनोप्रोस्ट है, तो कन्फ्यूज मत होना। यूज इन मिड टर्म प्रेगनेंसी फॉर अबॉर्शन, ये जो मिड टर्म प्रेगनेंसी होती है उसमें अबॉर्शन के लिए यूज किया जाता है। और किस तरीके से इसको यूज करते हैं, इंट्रा एमनियोटिकली फॉर मिड टर्म अबॉर्शन, यानी मिड टर्म प्रेगनेंसी में अबॉर्शन करने के लिए इसको यूज किया जाता है, वो भी इंट्रा एमनियोटिकली, यानी एक सीरिंज आती है जिसके अंदर ये फिल होता है, इसको इंट्रा एमनियोटिकली दिया जाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कार्बोप्रोस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि जो कार्बोप्रोस्ट होता है वो क्या होता है, सिंथेटिक 15-मिथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा है। जो डाइनोप्रोस्ट है वो तो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा है, लेकिन जो कार्बोप्रोस्ट है वो सिंथेटिक 15-मिथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। मेन यूज जो होता है इसका वो कंट्रोल करना PPH को कंट्रोल करने में जो मेन यूज होता है वो कार्बोप्रोस्ट का होता है। और ये क्या होता है, 15-मिथाइलिन प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, यानी अपन कह सकते हैं 15-मिथाइलिन प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। और मेन यूज जो होता है इसका होता है कंट्रोल करने के लिए PPH को। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कार्बोप्रोस्ट का जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो क्या होता है, अस्थमा के पेशेंट के अंदर क्यों होता है, क्योंकि वो ब्रोंको स्पाज्म की कंडीशन को लीड करता है, इसीलिए अस्थमा के पेशेंट के अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटर होता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी ओवरऑल कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखते हैं। ओनली अगर प्रोस्टाग्लैंडिन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछ लिया जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर तो अपन क्या देखेंगे, फर्स्ट है मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डिलीवरी, यानी मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डिलीवरी करने में, यानी जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके अंदर मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ है। फॉर एग्जांपल जैसे सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो या माल प्रेजेंटेशन हो या फिर माल पोजीशन हो, उस कंडीशन में अपने को मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो नहीं हो पाती है। नेक्स्ट अपन देखें फिटल डिस्ट्रेस, अगर फिटल डिस्ट्रेस की कंडीशन हो तो उस कंडीशन में भी अपन को प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं देना है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो यूटेराइन के कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ा देता है, और अगर फिटल डिस्ट्रेस की कंडीशन है और कॉन्ट्रेक्शन बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं फिटल पे जो है कॉम्प्लिकेशन को लीड करेंगे। नेक्स्ट अपन देखें प्रीडिस्पोजिशन ऑफ यूट्रस, जो प्रीडिस्पोजिशन ऑफ यूट्रस की कंडीशन में भी अपन प्रोस्टाग्लैंडिन को नहीं देंगे। ऑफ यूट्रस का मीनिंग होता है कि माल फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, यानी जो यूट्रस होता है उसमें कोई भी माल फॉर्मेशन होना, अबनॉर्मल कंडीशन होना यूट्रस की, कोई भी जेनेटिक की अबनॉर्मल होना यूट्रस के अंदर, तो उस कंडीशन में भी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो इम्पॉसिबल होती है, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। नेक्स्ट अपन देखें साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलता है प्रोस्टाग्लैंडिन के, तो फर्स्ट है नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलता है। सेकेंड है एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ब्रोंको स्पाज्म, मैंने आपको बताया था कि प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा जो है वो मेनली ब्रोंको स्पाज्म करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्लशिंग, जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 यानी जो डाइनोप्रोस्टोन है वो मेनली फ्लशिंग करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन के बटन को। और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड।